सम्मानित मंच, मैं नमन करता हूं सभी शहीदों के परिवारों को। उससे पहले जो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने बड़े ही उत्साहित और बड़े ही जोशीले अपने वक्तव्य में सब कुछ बता दिया जो मैं कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज हम उन शहीदों को नमन करने के लिए यहां पर सब लोग एकत्रित हुए हैं जिन्हें शायद समय के अनुसार हम लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने कुर्बानी दी देश के लिए, जो उन्होंने अपना खून बहाया, वो खून ज़ाया नहीं जाएगा। यूँ तो हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और बीइंग अ सिविलियन, और हम तो खैर हमारे संगठन के नाम तो नाम के पीछे तो आर्मी लगा हुआ है, भारतीय मोदी आर्मी, और मैं अपने संगठन की तरफ से और आप सब की तरफ से पाकिस्तान को इस मंच से जताना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ कि वो अपने ओछी हथकंडों से बाज आए, वरना अपनी लाशों से इस जमी को आबाद रखेंगे, अपनी लाशों से इस जमी को आबाद रखेंगे। वो लड़ाई होगी जिसे पाकिस्तान वाले याद रखेंगे। हम तैयार हैं, भारत की फौज तैयार है। अभी भाई साहब बता रहे थे श्रीनगर में, हम लोग भी श्रीनगर के अंदर अभी 14 मई 2017 को तिरंगा लहरा करके आए हैं, और यूं तो हमने 32 तिरंगा यात्राएं पूरे देश के अंदर लहराई है, और ऐसे रिमोट एरियाज में गए हैं जहां तिरंगे का नाम लेने से भी लोग जो है हिचकिचाते हैं। महिदपुर एक इस देश का एक ऐसा ही इलाका है जो उज्जैन के पास है, और जो सिम्मी का गढ़ है उस जगह पर भी जाकर के हमने तिरंगा लहराया। और मैं बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों को तो यूं ही बदनाम किया जाता है, वहां मुसलमानों ने इतना स्वागत किया कि सड़कें पीली हो गई थी, इतना स्वागत किया। हिंदू मुस्लिम एकता पे मैं एक शेर कहना चाहूंगा, हिंदू का नहीं मुस्लिम का नहीं, ये खून तो हिंदुस्तान का है, जब लहू टपकता गीता से तो बहता खून कुरान का है, इस खून की यारो कदर करो, आखिर तो ये खून इंसान का है। इंसानियत का जज्बा, भाईचारे की भावना, यही हमारे अंदर होनी चाहिए। कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, हमें आपस में भाईचारा ही सिखाता है, वैर नहीं सिखाता। तो आज हम यहाँ से एक प्रण लेकर के जाएं कि देश में अगर हमारा युद्ध पाकिस्तान से हो या चीन से हो, लेकिन हम लोग आपसी भाईचारा जब तक बरकरार नहीं रखेंगे, नाखून और मांस की तरह जब तक नहीं रहेंगे, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। सरकारें अपने आप झुकेंगी। जो सुविधाएं अभी भाई साहब नवीन जी बोल रहे थे कि जो सुविधाएं सैनिकों को मिलनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा सैनिकों को जो है सुविधाएं देने के लिए सरकार जो है वचनबद्ध है, और सरकार निरंतर योजनाएं बना रही है किस प्रकार से जो है सैनिकों को जो है सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। लेकिन सैनिक बने ही देश की हिफाजत के लिए, सैनिक इस बात की परवाह नहीं करते चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, वो मुस्तैद खड़े हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ आज़ादी की सांस लिए बैठे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप विशेष रूप से राजू भाई का मैं शुक्रिया करता हूँ कि आप सबको मुझे बात रखने का मौका मिला और आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, इन बहनों और माताओं का दर्शन करने का मौका मिला जो मंच पे बैठी हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व आज नुछावर कर चुके हैं। आज हम इन सबको जो है सलाम करने के लिए आए हैं, इनको नमन और नमस्कार करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।